बिग बॉस 16 का वीकेंड के वार से जुड़ा प्रोमो वीडियो रिलीज हुआ है। इसमें नजर आया है कि घर वालों ने शालिन भनोत को अपना टारगेट बनाया और सलमान खान के सामने उन्हें घर से बेघर करने की मांग की। दरअसल बिग बॉस के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सलमान खान ने कंटेस्टेंट से कहा कि वह उस शख्स का स्टिकर फुटबॉल पर चिपकाए जिसे वह घर से बेघर करना चाहते हैं और फुटबॉल को लेकर जोरदार लात मारे। ऐसे में घर के चार सदस्यों का निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद शालिन भनोत रहे। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट में से सबसे पहले अर्चना गौतम ने शालिन भनोत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, यहाँ सब अलग अलग अपनी गेम खेल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शालिन भनोत इस ट्रॉफी के लायक भी हैं। वहीं निमृत कौर आहलूवालिया ने शालिन भनोत पर निशाना साधते हुए कहा, हम सभी आपा खो देते हैं, लेकिन शालिन गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद मेरी नज़र में बहुत ज्यादा हो गया था। वहीं एमसी स्टैन ने भी शालिन भनोत का स्टिकर फुटबॉल पर लगाकर लात मारी। इतना ही नहीं, अंकित ने भी शालिन पर तंज कसते हुए कहा, मैं उन्हें घर से बाहर करना चाहता हूँ। वो कहते थे कि मैं टीना के पीछे छुपकर खेल रहा हूँ, लेकिन असल में वो टीना के पीछे छुपकर खेल रहे हैं। बिग बॉस 16 के इस प्रोमो वीडियो को लेकर यूजर्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने शालिन भनोट पर निशाना साधते हुए लिखा, लगता है कि चिकन ब्रांड चल नहीं पाया। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, नकली लव स्टोरी खत्म होने वाली है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।